वेलकम टू मुक्ति सॉफ्टवेयर। मुक्ति सॉफ्टवेयर में आज हम देखेंगे कि नॉन एलिजिबल आईटीसी की परचेज की एंट्री कैसे करते हैं। सपोज कीजिए हमने एक कार परचेज की है जिसका आईटीसी प्रैक्टिकली हम क्लेम नहीं कर सकते एज पर जीएसटी लॉ, लेकिन ये परचेज करने के बाद 2A में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो हम इसकी एक सेटिंग करेंगे परचेज के बिल में, बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है टैक्स के बाद, यहाँ पे बाई डिफॉल्ट वाई होता है, हम इसको आई कर देंगे। अगर आप इसको आई कर देंगे तो इसकी डिटेल नीचे लिखी हुई है, इनपुट नॉट एलिजिबल, ये नॉट एलिजिबल आईटीसी में शिफ्ट हो जाएगा। इस बिल को हम सेव करेंगे, उसके बाद हम जीएसटी रिपोर्ट में जाके जीएसटी समरी खोलेंगे। जब हम जीएसटी समरी देखेंगे तो यहाँ पे इन एलिजिबल आईटीसी सेपरेट शो हो जाएगा जो हम क्लेम नहीं कर रहे। जीएसटी 3B में भी इसका एक सेपरेट कॉलम दिया गया है इन एलिजिबल आईटीसी, तो ये इन एलिजिबल आईटीसी यहाँ पे सेपरेट शो हो जाएगा। थैंक यू।